हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताऊंगा वीवो वाई इलेवन का फैक्ट्री रीसेट कैसे करना है, ठीक है। तो वीवो वाई इलेवन के अंदर हार्ड रीसेट करने पर वहां पर भी आपको पैटर्न लॉक पूछता है, ठीक है। तो वीवो वाई इलेवन के अंदर आपने पैटर्न लॉक रखा है या पिन कोड रखा है या पासवर्ड रखा है, ठीक है, स्क्रीन लॉक आपने जो भी रखा है वीवो वाई इलेवन के अंदर, तो आप फैक्ट्री रीसेट करने के लिए जा रहे हैं तो आपको फैक्ट्री रीसेट नहीं हो रहा है, ठीक है। वहाँ पर भी आपको सेम पासवर्ड पूछ रहा है, ठीक है। अगर आपने पैटर्न रखा है तो पैटर्न रख पूछेगा, अगर आप पासवर्ड रखा है तो पासवर्ड पूछेगा हार्ड रीसेट करने पर, ठीक है। तो वो स्मार्टफोन हार्ड रीसेट नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट रहता है, इसीलिए हार्ड रीसेट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, अगर आपने पैटर्न भूल गया तो इसको कैसे सॉल्व करना है आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताऊंगा। अगर आपको मेरे से काम करवाना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका कोई भी मोबाइल हो, अगर आपने पैटर्न लॉक रखा है तो मैंने उसको अनलॉक करके देता हूँ ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो दोस्तों आज हम इसको अनलॉक करेंगे अनलॉक टूल की मदद से। तो इस टूल का लिंक आपको नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। ये एक पेड टूल है दोस्तों, फ्री टूल नहीं है। इसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा तब भी आपको ये टूल काम करेगा। तो इसका लिंक आपको नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर दिया है, तो जाके आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अंदर आप कुछ पे करना पड़ेगा, एक साल, दो महीने, तीन महीने, छः, सिक्स महीने के लिए, तो पे करके इस टूल को यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो ये काम नहीं होगा, ठीक है। दोस्तों अगर आप कोई भी टूल परचेस करते हैं तो परचेस करने से पहले उस टूल को आप एक अच्छा सा समझाओ, ठीक है। तो बिना सोचे आप टूल को परचेस किया और उसके बाद आपने यूज़ करने के लिए नहीं आया तो आपने पैसे इन्वेस्ट करके लॉस हो गया, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बता रहा हूँ, आपने जो भी टूल को परचेस कर रहे हैं उस टूल के बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए तब भी आप टूल को परचेस कीजिए, नहीं तो आप सीधा जाके टूल परचेस किया और टूल को यूज़ करना स्टार्ट किया या हैंडसेट डेड होने का चांसेस रहता है, ठीक है। नहीं तो आपको यूज़ ही नहीं कर सकते हैं ना, तो यूज़ नहीं कर पा रहे तो आपको हैंडसेट डेड होता है, इसलिए मैंने आपको बताता हूँ। तो उस टूल के बारे में थोड़ा एक्सपेरिमेंट ले लो, उसके बाद ही आप टूल परचेस करो, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं आप देख सकते हैं अनलॉक टूल को ओपन किया और यहाँ पर देख सकते हैं समर्थ टेक 094 मेरा ईमेल आईडी है, तो इसको मैंने रजिस्टर कर दिया इस टू अनलॉक टूल की मदद से। अभी मैं इसको लॉगिन करता हूँ। अनलॉक टूल यूज़ करना काफ़ी सिंपल है दोस्तों, लेकिन आपको थोड़ा समझाना होगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अनलॉक टूल को यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ, तो इस अनलॉक टूल के मैंने वीवो वाई इलेवन का अनलॉकिंग करके बता देता हूँ, ठीक है। दोस्तों आपको भी अनलॉकिंग करना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है, दोनों तरीका अवेलेबल है। अगर ऑफलाइन करना है तो इस वीडियो कोई भी बंदा देख रहे तो मेरा नियरेस्ट कोई भी है तो आप मेरे दुकान पर आके ऑफलाइन अनलॉकिंग कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन करना है, ठीक है, अगर मेरे सिटी से दूसरे सिटी या दूसरे गाँव से हो, कहीं पर भी हो, ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, तो मैंने आपका फ़ोन ऑनलाइन के थ्रू अनलॉक करके देता हूँ। इसीलिए आपके पास एक अच्छा इंटरनेट होना चाहिए, एक अच्छा यूएसबी केबल होना चाहिए और लैपटॉप और पीसी, ठीक है, दोनों में एक होना चाहिए, ठीक है। तो बस इतना ही, मैंने आपको क्या करना है सब कुछ बता देता हूँ। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने आपको पहले व्हाट्सएप नंबर शो किया और वीडियो का एंड में भी शो करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये देख सकते टूल इंस्टॉलिंग हो रहा है, तो चलिए हम लोग वेट करते थोड़ा। तो दोस्तों अगर आप मेरा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक करो। हमारा चैनल के अंदर जो भी नया वीडियोस आते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर मिलता है। तो अगर आपने ऑलरेडी मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया, आपको मेरे चैनल का जो भी नया वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो आप एक बार ज़रूर चेक कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना, ठीक है, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। सिर्फ आपने सब्सक्राइब किया तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक करने का बस इतना ही है। आपको हमारे चैनल के अंदर जो भी नए वीडियोज आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हमारे जो अनलॉक टूल है वो ओपन हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग वेट करेंगे थोड़ा।
तो दोस्तों मैंने डिवाइस मैनेजर को ओपन किया, मैंने आपको दिखा देता हूँ कि डिवाइस मैनेजर के अंदर पोर्ट कनेक्ट हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि भाई आपने फेक वीडियो डाला है, ठीक है। तो फेक वीडियो डालना इतना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, हमने बहुत मेहनत करके वीडियोज़ बनाते हैं, इसमें फेक वीडियोज़ डालने का मतलब ही नहीं रहता, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ, डिवाइस मैनेजर के अंदर क्वालकॉम पोर्ट को भी शो करता हूँ आपको, वीवो Y11 का, ठीक है। और दोस्तों देख सकते हैं टूल भी ओपन हो चुका है और डिवाइसर मैनेजर को भी मैंने ओपन कर चुका हूँ। देख सकते हैं दोस्तों अनलॉक टूल का इंटरफेस कुछ इस तरीके से है, तो एक प्रोफेशनल टूल है दोस्तों, इसके अंदर सभी फ़ोन का अनलॉकिंग कर सकते हैं या MI अकाउंट भी रिमूव कर सकते और भी बहुत सारे फ़ोन्स की इसके अंदर काम कर सकते, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने डिवाइस मैनेजर के अंदर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैंने डिवाइस मैनेजर के अंदर क्वालकॉम पोर्ट को शो करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं मैंने आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पर डिवाइस मैनेजर के अंदर, तो अभी के लिए आप देख सकते हैं कोई भी क्वालकॉम डिवाइस यहाँ पर शो नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके यहाँ पर कोई भी क्वालकॉम पोर्ट शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो गाइस अभी हम क्या करेंगे, हमारे फ़ोन को वीवो Y11 को फ़ोन स्विच ऑफ करना है, ठीक है। स्विच ऑफ करके वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस, ठीक है, दोनों बटन एक ही साथ प्रेस करके USB केबल को दबाना है, ठीक है। USB केबल को इंसर्ट करना है और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दबा दिया USB केबल। USB केबल इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टॉलिंग ड्राइवर हो चुका है, क्वालकॉम USB ड्राइवर आ चुका है, 9008 पोर्ट बन चुका है और डिवाइस मैनेजर के अंदर भी आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रहा है। आप देख सकते हैं क्वालकॉम HS USB QD लोडर 9008 पोर्ट आ चुका है और यहाँ पर देख सकते हमारे जो अनलॉक टूल के अंदर भी कॉम आ चुका है 9008 का, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, वीवो ब्रांड सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम सर्च करेंगे वीवो Y11, ठीक है। तो यहाँ पर आप बहुत सारे मॉडल मिल जाएगा और सर्च भी कर सकते हैं, मॉडल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने मॉडल सेलेक्ट किया वीवो Y11 और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों फैक्ट्री रिसेट पर मैंने क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग फैक्ट्री रिसेट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 9008 पोर्ट आ चुका है, मैंने आपको पहले बताया टूल के अंदर भी आया है। तो उसके बाद हम लोग सिंपली फैक्ट्री रिसेट पर क्लिक करने आ गए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने फैक्ट्री रिसेट पर क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं EDL फैक्ट्री रिसेट आ चुका है हमारा प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों वीवो Y11 आ चुका है, अगर आपको नहीं पता है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये कोई फेक वीडियो नहीं है, वीवो Y11 अनलॉक टूल में आपको शो हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको क्वालकॉम डिवाइस भी दिखाया और वीवो Y11 मॉडल भी दिखाया, ठीक है। तो दोस्तों अनऑथेंटिकेशन ओके हो गया, तो इसका मतलब है हमारा फैक्ट्री रिसेट हो चुका है। दोस्तों आप देख सकते हैं अभी प्रोसेसिंग चल रहेगा, तो हम लोग वेट करना है थोड़ा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते प्रोसेसिंग हो रहा है। तो दोस्तों आपको भी और जानकारी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपका फ़ोन अनलॉक करके देता हूँ ऑनलाइन के थ्रू, ठीक है। आपके पास एक अच्छा कंप्यूटर होना चाहिए, एक अच्छा USB केबल होना चाहिए, आपके सिस्टम के अंदर इंटरनेट होना चाहिए, आपके कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते यहाँ पर ओके आ रहा और यहाँ पर ओके आ चुका है और देख सकते दोस्तों यहाँ पर सब कुछ ओके आ चुका है और देख सकते दोस्तों फॉर्मेटिंग डेटा आ रहा है वो भी ओके हो चुका है और यहाँ पर देख सकते FRP भी इसके साथ ओके हो चुका है, ठीक है। दोस्तों इस टूल के अंदर एक प्रॉब्लम है दोस्तों, फैक्ट्री रिसेट तो होता लेकिन FRP अनलॉक नहीं होता। बंदा अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो, इस टूल का एडमिन ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। कभी कभी FRP बाईपास हो जाता है फैक्ट्री रिसेट के साथ, ठीक है। कभी कभी FRP बाईपास नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं अर्सिंग FRP भी हो चुका है और फैक्ट्री रिसेट भी हो चुका है, ठीक है। कभी कभी होता, कभी कभी नहीं होता, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मेरा फ़ोन के अंदर फैक्ट्री रिसेट भी हुआ, फ़ोन अनलॉकिंग भी हुआ, ठीक है। मतलब FRP बाईपास भी हुआ, फैक्ट्री रिसेट भी हुआ, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए एंड आपको भी फ़ोन अनलॉकिंग करना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर हाई करके मैसेज भेजो और आपका प्रॉब्लम क्या है, आपका फ़ोन क्या है, कौन सा भी है, आप मेरे को मैसेज करो, ठीक है। आपको क्या करना है मैंने आपको बता देता हूँ, ठीक है। सिंपल सी एक टीम एवर का सॉफ्टवेयर होता है, आप उस कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करो अपने कंप्यूटर के अंदर और इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है मैंने आपको सब कुछ बता देता हूँ। एंड गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को कर देना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हमारे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।